हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को मेरा नमस्कार। आज हम मूंग दाल का नाश्ता बनाएंगे। तो एक कटोरी हमने मूंग दाल लिया था, इसको 2 घंटा हम भिगा लिए थे। ये देखिए, अब इसको अच्छी तरीके से हम धुल के रख लिए हैं। अब हम मिक्सी जार लेते हैं। मिक्सी जार में हम सभी पलट ले रहे हैं और इसको हल्का से चला के अच्छी तरीके से हम पीस ले रहे हैं। तो ये देखिए, इस तरीके से पीस गया है। इसको हम बाउल में पलटते हैं। देखिए, हम पानी डाल के नहीं पीसे थे, ये सूखा ही पीसे थे। इसमें 3 चम्मच हम बेसन ऐड कर रहे हैं और 3 चम्मच हम चावल का आटा ही ऐड कर रहे हैं। अब इसको चटपटा बनाने के लिए हम अदरक लहसुन मिर्चा ऐड कर रहे हैं 1 चम्मच दरबरा कुटा हुआ, 1/2 चम्मच जीरा, 1/2 चम्मच हम बेकिंग सोडा ले रहे हैं, 1/4 चम्मच नमक ऐड करेंगे। ये सभी चीज़ों को हम मिलाएंगे, पानी नहीं डालेंगे, पहले हम ऐसे ही मिलाएंगे। देखिए, इसको बराबर हम मिला ले रहे हैं इस तरीके से चम्मच से। देखिए, हम पानी नहीं डाले हैं, ऐसे ही मिला लिए हैं। तो इसको ढक देते हैं 10 मिनट के लिए, अच्छी तरीके से सेट हो जाए। इधर हम चटनी बनाने के लिए मूंगफली और 5 से 6 कली लहसुन अदरक इसको हल्का फ्राई कर ले रहे हैं। ये फ्राई हो गया, निकाले। इसमें हरा मिर्च 2-3 और हरी धनिया हम ऐड करके, ये देखिए, पीस लिए हैं इस तरीके से चटनी। चटनी में हम तड़का लगा देते हैं। ये हम सफ़ेद तिल ऐड कर रहे हैं तड़के के लिए और करी पत्ता। ये देखिए, ऊपर से हम तड़का लगा दिए हैं। चटनी हमारी बनके रेडी हो गई है। ये बहुत ही स्वादिष्ट चटनी बनी है। अभी हम अप्पे बनाने चल रहे हैं, तो इसमें पहले से हम ऑयल लगा दे रहे हैं। देखिए, हम ब्रश से ऑयल लगा दिए हैं हल्का सा। अब इसमें जो बैटर तैयार किए हैं उसको हम रखेंगे इस तरीके से। इस तरीके से रख के हम बराबर कर ले रहे हैं। अब ऊपर से हल्का हल्का ऑयल और हम लगा दे रहे हैं ताकि अच्छी तरीके से ये पक जाए। ये देखिए, बराबर हम ऑयल लगा दे रहे हैं और गैस लो कर दिए हैं। हमको लो गैस पकाना है ताकि अच्छी तरीके से पके। इसको हम ढक देते हैं। देखिए, 2 मिनट के लिए हमने ढक दिया था, अब इसको खोल रहे हैं। हम पलट के देख लेते हैं, हमारा हो गया है एक तरफ अच्छी तरीके से। ये देखिए, दूसरी तरफ हम पलट देते हैं सेकने के लिए। इस तरीके से हम सभी पलट दे रहे हैं, दूसरी तरफ अच्छे से सेक जाए। अब ऑयल और लगा दे रहे हैं हल्का हल्का ताकि अच्छी तरीके से पक जाए। और ये देखिए, इस तरीके से ये पक गया है। अब इसको हम प्लेट में निकाल ले रहे हैं। ये हमारा नाश्ता बन के रेडी हो गया है। ये चटनी के साथ हमारा नाश्ता बन के रेडी हो गया है। आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइए कैसा लगा, और हमारा तरीका अच्छा लगा तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। सभी भाई बहनों को नमस्कार और धन्यवाद।